ओम ह्रीम अरहम रमु चिन्हारम। आचार्य प्रवर श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित ग्रंथराज श्री गौमट सार जीव कांड मंगलाचरण गाथा नंबर एक। सितम सुदम पढ़मीय जीर्णिंदवर्णेमी चंदमकलंकम् गुणरयण भूषणुदयम् जीवस्य परुवरम् गोच्छम्। सिद्धम् शुद्धम् पर्मीय जिणिन्द बर णेमी चंद मकलंकम् गुण रयण भूषणुदयम् जीवस्य परुवरम् बोच्छम्। एक बार फिर से उच्चारण करें क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह याद करना है। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का मंगलाचरण कंठस्थ होना चाहिए। सिद्धम शुद्धम पढ़मीय जीर्णिंद वर्णेमी चंदमकलंकम् गुणरयण भूषणुदयम् जीवस्य परुवरम् गोच्छम्। आइए अब शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है सिद्धम, शुद्धम, पढ़मीय, जीर्णिंद, बर, णेमिचंद, मकलंकम्, गुण, रयण, भूषणुदयम्, जीवस्य, परुवरम्, बोच्छम्। एक एक शब्द यद्यपि भाषा प्राकृत है लेकिन यदि हम प्राकृत भाषा को देखते हैं तो उसका एकदम मेल हिंदी से मिल जाता है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। सारे शब्द लगभग वही हैं और जब हम इसको तोड़कर देखते हैं तो हमको अर्थ भी शब्दों में से निकलकर मिलता है। तो क्या अर्थ हुआ तो देखते हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणम्य, जो सिद्ध हैं शुद्ध हैं उन्हें प्रणम्य अर्थात नमस्कार करके। कौन है वे तो कहते हैं जीर्णेन्द्र वर नेमिचंदम अकलंकम्, नेमिचंद्रम अकलंकम्। वे जीर्णेन्द्र वर अर्थात जीर्णेन्द्रों में भी श्रेष्ठ हैं, नेमिचंद्रम अर्थात नेमी चंद्र हैं, अकलंकम अकलंक हैं। फिर गुण रयण भूषण उदयम, गुण रयण भूषण उदयम, गुण रूपी रत्नों के उदय रूप आभूषण हैं या आभूषण रूप उदित हैं, जो उनको प्रणम्य नमस्कार करके जीवस्य परुवरम, जीवस्य परुवरम अर्थात जीवस्य जीवों की जीव की परुवरम अर्थात परूपणा वक्षे कहते हैं। तो आचार्य भगवंत नेमिचंद महाराज सबसे पहले मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं तो इन्होंने अपने एक मंगलाचरण में ही बहुत सारे पूज्य पदों को नमस्कार किया, लेकिन जब हम इनके अर्थ निकालेंगे तो बहुत सारे टीकाकारों ने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग अर्थ निकाले हैं, इसलिए शब्दों के बहुत सारे अर्थ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं और फिर अलग अलग टीकाकारों ने कैसे कैसे अर्थ निकाले हैं वो भी हमको यहाँ पर समझने में आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सामान्य अर्थ क्या हुआ। सामान्य अर्थ यह हुआ जो सिद्ध हैं शुद्ध हैं
जिनेन्द्रो वर हैं, जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे जो अकलंक हैं, गुण रूपी रत्नों के भूषणों से जो उदित हैं, ऐसे नेमी चंद्र भगवान को या नेमीनाथ भगवान को जो चंद्र के समान अकलंक हैं, मैं नमस्कार करके जीवस्य परूपणं बोक्षम, जीवों की इस परूपणा को अर्थात चैप्टर को, जीवों के वर्णन करने वाले इस कथन को कहूंगा। ठीक है, ये सामान्य अर्थ हुआ। अब एक एक अर्थ को विशेष रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, सिद्धम। सिद्ध कौन है, तो जिन्होंने अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध हैं। फिर और दूसरा सिद्ध का अर्थ क्या है, जो संपूर्ण प्रमाणों से सिद्ध हैं, अर्थात अब जिनमें असिद्धता का या जिनकी वाक्यों में किसी प्रकार की असिद्धि नहीं रही। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे दूसरा विशेषण है शुद्धम। भी कैसे हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से कर्मों का नाश कर लिया है, इसलिए वे शुद्ध हैं। फिर क्या कहते हैं, अकलंकम, अर्थात वे अकलंक हैं, कलंक से रहत हैं, कर्म रूपी कलंक से, मिथ्यात्वादिक कलंकों से रहत हैं। और कैसे हैं, गुणरयन भूषण उदयम, गुण रूपी रत्नों के सम्यक दर्शन आदि के जो गुण हैं, उन गुणों के रत्नों के जो आभूषणों का उदय हमेशा जिनकी बना रहता है, इस प्रकार के श्री वर कैसे हैं, वे जिनेन्द्रों में भी जो वर हैं, ऐसे जिनेन्द्रवर नेमीचंद्रम, नेमीचंद स्वामी को प्रणम्य, यहां शब्द दिया प्रणमीय, अर्थात नमस्कार करके, जो उपदेश द्वारा पूर्वाचार्यों से चला आ रहा, इसलिए सिद्ध और पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध, और दूसरों की निंदा आदि ना होने के कारण तथा रागादिक का उत्पादक ना होने से निष्कलंक या अकलंक है, और जिसे सम्यक्तादिक गुण रूपी रत्न भूषणों की प्राप्ति होती है, जो विकता आदि की तरह राग का कारण नहीं है, इस प्रकार के जीव पुरूपणम, अर्थात जीवों का वर्णन करने वाला अधिकार ग्रंथ कहता हूं। तो दोनों प्रकार से अर्थ को समझना। अब इसमें कितनी प्रकार के और अर्थ संभव हैं, तो विशेष अर्थ में भावार्थ में दिया क्या कहा देखते। प्रकृत गाथा, प्रकृत मतलब जो यहां गाथा मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की है, इस गाथा का अर्थ संस्कृत टीका में 24 तीर्थंकर श्री वर्धमान भगवान सिद्ध परमेष्टि आत्मा सिद्ध समूह पंच परमेष्टि नेमीनाथ भगवान जीव कांड ग्रंथ और श्री नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इन सभी के नमस्कार परक किया गया है। यह विशेष जिज्ञासियों को देखना चाहिए, अर्थात जब विशेष विशेष इस ग्रंथ की टीकाएं आप देखेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, वो सारे के सारे अर्थ जब हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे सिद्धम सिद्ध हैं, शुद्धम शुद्ध हैं, जिनेन्द्र जिन अर्थात जिन्होंने जीत लिया है, क्या जीत लिया, अपने इंद्री मन और कर्मों को जिन्होंने जीत लिया, उन जिनेन्द्रों में जो वर हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। नेमी चंद्र, नेमी चंद्र के भी अनेक अर्थ संभव हैं। नेमी अर्थात जो धर्म रूपी ध्वजा धर्म रूपी रथ को चलाने के लिए नेमी के समान है, जो रथ होता है उसमें जो आरे होते, रथ का जो पहिया होता है पहिए में जो आरे होते हैं उनको नेमी कहते हैं, तो जिनेन्द्र भगवान के धर्म रूपी चक्र को चलाने वाले हैं। चंद्र अर्थात चंद्रमा के समान है। अकलंकम अर्थात कलंक से रहते हैं। गुण रयन भूषण उदयम, तो गुण रूपी रत्नों के भूषणों से जो उदित हैं, प्रकाशित हैं, ये सारे के सारे लक्षण हम नीचे दिए गए सब में बिठा सकते हैं।
तो वह आत्मा में भी लगते हैं, तो सिद्ध भगवान में भी लगते हैं। जो नेमिनाथ, नेमिचंद्र शब्द से नेमिनाथ भगवान की याद भी आती है। तो नेमिनाथ भगवान क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ की रचना श्री श्रवण वेलगोल में स्थित श्री चंदगिरी पर्वत पर हुई है, और उस चंदगिरी पर्वत पर एक हाथ प्रमाण की नीलमणि की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, जो वहां के मूल नायक थे। तो लगता ऐसा है इसको पढ़ के कि हो सकता है आचार्य महाराज ने उन नेमिनाथ भगवान को इस मंगलाचरण में नमस्कार किया होगा। अब लेखक का क्या तात्पर्य था ये हमको नहीं पता, लेकिन पंक्तियों को पढ़कर इतने सारे अर्थ संभव हैं। तो शुद्ध अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है? तो सामान्य अर्थ यह हुआ जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, जिन इंद्रों में श्रेष्ठ हैं, नेमी हैं, चंद्रमा के समान अकलंक हैं, गुण रूपी रत्नों के आभूषण हैं, उनको नमस्कार करके मैं जीवस्य परूपणं वोच्छम, अर्थात जीवों का प्रूपण करने वाला, कथन करने वाला ग्रंथ आगम कहूंगा। ये सामान्य अर्थ इस गाथा का हुआ। अब इसको विस्तार से जानने के लिए आप और जो टीकाएं हैं उन टीकाओं में इसका विशेष अर्थ देख सकते हैं। सामान्य अर्थ यही है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है इस गाथा से? तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया? तो आप जिन जिन के विषय में आपको बतलाया, सिद्ध परमेष्टी, चंद प्रभु भगवान, नेमिनाथ भगवान, वर्धमान महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकर भगवान, इनको नमस्कार किया। प्रश्न पूछ सकते हैं, मंगलाचरण में क्या क्या विशेषताएं दी हैं या किन किन विशेषताओं का वर्णन है, या अरिहंत भगवान की किन किन विशेषताओं का वर्णन है? तो आप लिखेंगे सिद्धम, शुद्धम, सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, जिनेन्द्रवर, नेमिचंदम, अकलंकम, अर्थात नेमी हैं, धर्मरूपी ध्वजा को खींचने वाले हैं, और चंद्रमा के समान अकलंक हैं, और गुण रूपी आभूषणों को सहत होकर या उदित होकर जो चमकने वाले हैं, गुण रूपी रत्नों के जो आभूषण से प्रकाशित हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानना। अब इतना यहां पर हमने इसका विश्लेषण किया। और प्रश्न क्या हो सकते हैं शुरुआत में? इस ग्रंथ की रचयिता का नाम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है, ग्रंथ कहाँ लिखा गया? तो ग्रंथ श्रवण वेलगोला चंदगिरी पर लिखा गया। ग्रंथ नायक ने जहां लिखा वहां के मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी। ठीक है, संदर्भित प्रश्न हो सकता है कि उस स्थान में वर्तमान में क्या प्रसिद्ध है? तो उस स्थान में वर्तमान में गोमटेश्वर बाहुबली नाम की विश्व की सबसे ऊंची एक पाषाण की बनी हुई अलौकिक अद्भुत अनुपमेय प्रतिमा विराजमान है। और श्रवण वेलगोला से संदर्भित यदि कोई प्रश्न आता है तो उसमें आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वहां श्रवण वेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली की समाधि स्थली होने से। ठीक है, बाकी विस्तार से चर्चा हम जब मंगलाचरण पर विशेष चर्चा करेंगे और तब आपको टीका ग्रंथों से विशेष विशेष क्या क्या अर्थ निकाले गए इसका पंडित प्रवर रतन चंद जी मुक्तार साहब ने बहुत विस्तार किया है, तो उस पर हम एक पूरा सेशन बनाएंगे और उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आचार्य भगवंत नेमिचंद स्वामी का परिचय और जीवकांड ग्रंथराज का परिचय भी, दोनों ग्रंथों का परिचय आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही चामुंड राय जी का परिचय वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओम सिद्धम।